हेलो दोस्तों, स्टडी पावर पॉइंट की एक नए न्यूज़ वाली वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं स्कूटनी रीचेक का फॉर्म कैसे भरते हैं। आपके काफ़ी कमेंट पे और डिमांड पे यह वीडियो बनाई जा रही है। ध्यान देना दोस्त, सबसे पहले स्कूटनी और रीचेक फॉर्म भरने से पहले कुछ बातें बताऊँगा जिसको समझ लो, फिर रीचेक भरना, स्कूटनी भरना, जो भरना होगा अपने कर लेना। दोस्त ध्यान देना, रीचेक और स्कूटनी का मतलब क्या होता है इसका थोड़ा सा। स्कूटनी का मतलब दोस्तों होता है ये है कि अगर आपकी कॉपी चेक हुई है और बाई वे किसी तरीके से मार्क्स काउंटिंग में छूट गया हो तो उसको सिर्फ काउंट किया जाता है, जिसकी फीस मात्र 60 रुपये रखी गई है। ठीक है, तो ये होता है रीचेक और इसमें सिर्फ आपके नंबर काउंटिंग की बात होती है और इसमें गाइस जो नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं वो बहुत कम होते हैं गाइस। ठीक है ना, मतलब 10% होते हैं। अगर गाइस मैं बात करूं रीवैल्यूएशन या रीचेक, ध्यान देना रीवैल्यूएशन रीचेक एक ही है, दूसरा नहीं है, जिसकी फीस है 500 रुपये। इसमें गाइस होता यह है कि जो आपकी कॉपी है जिसको आपने किसी वजह से आपको फिर से चेक कराना है तो इसको भर सकते हैं फॉर्म और इसकी फीस है 500 रुपये। और इसमें क्या किया जाता है कि आपकी जो कॉपी है उसको फिर से चेक किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो टीचर पहले चेक किया होता है वह अब नहीं चेक करेगा, कोई दूसरा टीचर गाइस आएगा और वह इस कॉपी को चेक करता है, इसका आपको ध्यान रहे। ठीक है, और गाइस जो रीवैल्यूएशन है कौन कौन भर सकता है समझ लीजिए। तो गाइस जो रीवैल्यूएशन है उसको गाइस भर सकते हैं, जो पास हुए हैं वो भी भर सकते हैं अगर भरना चाहें, अगर उनको लगता है कि हमारा नंबर और बढ़ सकता है वो भर सकते हैं, और जो बैक जिसका लग गया वो भर सकते हैं। अब मैं बता दूं कि कितने नंबर पाए हो और इसको भरना चाहिए गाइस। अगर आपका मान लो 30, आपका 17 नंबर मिनिमम है, अगर आपने 30 नंबर मतलब 17 कम से कम चाहिए तो 30 नंबर का अगर आपने पेपर किया तो इसको भर सकते हैं, या 25 का कियो तभी भरना। ठीक है, क्योंकि गाइस 500 रुपये आपके चले जाएंगे नहीं तो। और ध्यान देना रीवैल्यूएशन या रीचेक में आपके नंबर बढ़ते भी हैं घटते भी हैं, अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप क्या कराना चाहते हैं। अब चलिए दोस्तों सीधे सीधे अपने न्यूज पे चलते हैं और समझते हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। जी हाँ, आपके सामने एक PDF रखा गया है जिसको कि आप देख सकते हैं, यह बिल्कुल BTE UP की ऑफिशियल साइट से आया हुआ है। कहा जा रहा है कि यह एक एप्लीकेशन, एक लेटर टाइप का है एप्लीकेशन है। यहाँ पे कहा जा रहा है सचिव प्रावधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में प्रधानाचार्य निर्देशक परिषद से संबंध समस्त, मतलब जो भी भैया, मतलब कहने का मतलब जो भी इसमें काम करने वाले हैं सबकी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ लखनऊ दिनांक दे भी दिया 27/2/2020 को ये फॉर्म, ये चीज़ आई है आपकी न्यूज। जो विषय है मतलब एप्लीकेशन लिखोगे तो उसका एक सब्जेक्ट होना चाहिए ना, वो गाइस दिया गया विषम सेमेस्टर परीक्षा या बैक पेपर परीक्षा या मतलब जो परीक्षा आपने दी है दिसंबर में उसका स्क्रूटनी और पुनः मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन के संबंध में दिया जा रहा है। अब देखिए कहाँ से करना है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं तो वो चीज़ देख लेंगे। कहा जा रहा महोदय उपयोग विषयक अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर परीक्षा या विशेष बैक पेपर परीक्षा दिसंबर 2019 का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। ऐसे परीक्षार्थी जो अपने अंकों से असंतुष्ट है मतलब संतुष्ट नहीं है वो परिषद की वेबसाइट result.btupexam.in पर उपलब्ध लिंक अप्लाई फॉर स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन के माध्यम से किया जा सकता है। पहला कंडीशन क्या बोला जा रहा है गाइस, कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी जो है पूर्ण मूल्यांकन हेतु मतलब वही स्क्रूटनी या रिवैल्यूएशन हेतु परिषद की वेबसाइट मतलब यही result.btupexam.in इस तरीके से आपके जा करके इसका फॉर्म उपलब्ध मतलब लिंक जो वहाँ पे दी रहेगी उसके इन्वायरमेंट नंबर और जन्मतिथि की मदद से अपना आवेदन ओपन करेंगे, मतलब वो होता है ना क्या बोलते हैं कि अपना पोर्टल खोल के। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन का एक ऑप्शन आता है वहाँ पे। तो अब देखिए कैसे कैसे करना है, आगे देखिए बताया जा रहा है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन स्कूटनी और रिवैल्यूएशन रजिस्ट्रेशन में कैसे किया जाएगा, तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है स्कूटनी या पूर्ण मूल्यांकन का आवेदन है ओपन करने उपरांत छात्र छात्राएं कपियत विषयों में स्कूटनी या पुनः मूल्यांकन रिवैल्यूएशन चेक बॉक्स के माध्यम से चयनित कर सकते हैं। वहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा चेक बॉक्स। ठीक है, यदि किसी विषय आवेदन में प्रदर्शित नहीं हो रहा और छात्र छात्राएं कपियत विषय में आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ऐड मोर ऑप्शन से विषय कोड एवं नाम को भरकर आवेदन कर सकते हैं। सभी कपियत विषयों में आवेदन स्कूटनी एवं पूर्ण मूल्यांकन मतलब रिवैल्यूएशन विषय चयन करने के उपरांत, ठीक है, छात्र छात्राएं अपने सेव एंड प्रिंट बटन के माध्यम से सुरक्षित कर आवेदन का प्रिंट ले लेंगे और इस प्रक्रिया को समाप्त हो जाने के बाद छात्र छात्रा 24 घंटे के उपरांत द्वितीय
विकल्प मतलब दूसरा ऑप्शन गाइस दिया गया है कि जो पैसे आपके 60 रुपये और 500 रुपये लग रहे हैं इसको ऑनलाइन पे करना है, ठीक है। पे फीस ऑनलाइन के माध्यम से स्कूटनी व रिवेल्युएशन का शुल्क भुगतान कर सकेंगे। ज्ञात है कि किसी विषय की स्कूटनी और पूर्ण मतलब रिवेल्युएशन में एक ही विकल्प को चयनित किया जा सकता है, अतः कपियत विषय में आवेदन करते समय दोनों विकल्पों को सावधानी पूर्वक करना होगा, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे गाइस करना है, आपको क्या दिक्कतें हो सकती हैं इसके बारे में समझ लीजिए, पे ऑनलाइन फीस के बारे में। जी हाँ, आपने बहुत अच्छा सुना, कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। स्कूटनी हेतु ₹60 प्रति विषय एवं पूर्व मूल्यांकन हेतु 500 प्रति विषय की धनराशि निर्धारित है। पे फीस ऑनलाइन विकल्प में अगले पेज पर टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, बॉक्स में एक वहाँ पे क्लिक करके मतलब चेक बॉक्स जैसे होते हैं वो करके आप अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज पर क्या होगा, फीस कैटेगरी में बोर्ड फीस चयनित कर छात्र छात्रा इन्वायरमेंट संख्या और जन्मतिथि संबंधित टेक्स्ट बॉक्स में डाल करके सबमिट करेंगे। इसके बाद अगले पेज पे प्रोवाइड डिटेल्स पे चले जाएंगे पेमेंट पे, जिसमें आप अपना नाम जन्मतिथि मोबाइल नंबर ईमेल आईडी इंसर्ट करने के उपरांत कैप्चा भी प्रदर्शित करेंगे और सबमिट कर क्लिक कर देंगे। गाइज जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक के उपरांत जो आपकी वेबसाइट होगी उस पर वेरीफाइड डिटेल्स कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन पर पहुंचने पर छात्र छात्राएं सभी डिटेल्स जो होगा वो सुनिश्चित कर लेंगे। ट्रांजिस्टर में प्रदर्शित हो रही जानकारी सही है या नहीं, ठीक है, ट्रांजिस्टर में उपलब्ध जाएंगे संतुष्ट होने के उपरांत कंफर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं फटाफट से गाइस की जो आपका पेमेंट है वो किस मेथड से किया जाएगा। तो यहाँ पे गाइस ऑनलाइन मेथड है इंटरनेट बैंकिंग, जो कि SBI की बात की जा रही है, ठीक है। आप किसी से कर सकते हैं, UPI वगैरह यहाँ पे दिए गए पेमेंट मोड देख सकते हैं काफी। और जिन छात्र छात्राओं के पास देखिए गाइस इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT या RTA मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर UPI वगैरह ये सब नहीं है और वे क्या कर सकते हैं, पेमेंट चालान का प्रिंट लें। जी हाँ, पेमेंट चालान प्रिंट क्या होता है अभी हम बताते हैं आपको। किसी भी SBI ब्रांच में जाकर छात्र छात्राएं पेमेंट चालान के माध्यम से स्कूटनी या रिवेल्यूशन मतलब जैसे आपका ठीक है मतलब एक बनाया जाता है, ठीक है, FD बनाया जाता है शायद, तो उस तरीके से आप बना करके यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि किसी भी भुगतान माध्यम के बैंक शुल्क संबंधित नीचे दिए गए भुगतान करने से पूर्व बैंक, ध्यान दीजिएगा गाइस यहाँ पे जो बैंक की बात की जा रही है, ठीक है, बैंक शुल्क के उपरांत कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे बैंक की बात की जा रही है, और यहाँ देखा एक मतलब थोड़ा सा दिक्कत भी है, वो क्या दिक्कत अभी हम बताएंगे आपको। आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिस्पिन पेमेंट, ठीक है, भुगतान करने के बाद 24 घंटे के बाद गाइस आपका तीसरा विकल्प आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिस्पेक्ट आप पेमेंट के माध्यम से पेमेंट रिसीप्ट कर प्रिंट उसको ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रधानाचार्य अपने प्रिंसिपल के यहाँ भाई उसको जमा करा देंगे। अगर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर गाइस एक नंबर दिया गया हेल्पलाइन नंबर 7525007064 पे आप कॉल करके डिटेल्स में आप जानकारी लेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ऑनलाइन पेमेंट की जो सुविधा है गाइस वो बैंक द्वारा कराई जा रही है। अगर इसमें कोई विवाद होता है, कोई दिक्कतें होती हैं, तो इसका जिम्मेदार मतलब जो बैंक वाला होगा न कि बोर्ड होगा, ठीक है, इसका ध्यान है। और यहां पे अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो स्कूटनी और पूर्व मूल्यांकन रजिस्ट्रेशन हेतु अंतिम तिथि गाइस है 5/3/2020 है, और पेमेंट रिसिप्ट जो आपका प्रिंट करने हैं 7/3/2020 है। परिषद द्वारा गाइस स्कूटनी और जो रिवेल्यूशन का उपयोग मतलब स्वीकार नहीं किया जाएगा अगर कोई दिक्कत होती है तो। और यहाँ पे देख सकते हैं कि भवदीप करके किशोर चंद है, यहाँ पे कृति सचिव करके हैं, जो भी है 27/2 को ये सबमिट हुआ है और यहाँ पे सब चीज़ें डिटेल्स में दे रही है। और गाइस ये PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। आई होप गाइस आपको ये न्यूज़ और आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल गए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।